करनाल के सेक्टर 13 स्थित जगदम्बा बेबी केयर सेंटर में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन मेयर रेणु बाला गुप्ता ने किया। इस मौके पर मेयर रेणु बाला गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया के सपने को पूरा करने में हम सबको योगदान देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि स्वयं स्वस्थ रहे और अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करें। बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए डॉक्टरों से जांच करवाने के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा लें। जगदम्बा बेबी केयर सेंटर के 20 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक मंगलवार को फ्री ओपीडी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। अस्पताल में पहुंचने पर संचालक डॉक्टर मनोज मित्तल ने मेयर का स्वागत किया। डॉक्टर मनोज मित्तल ने कहा कि उनके अस्पताल में एलोपैथिक इलाज के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा और योग के सहारे भी बच्चों को स्वस्थ रखने और उनका इलाज करने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में बच्चों को बीमारी से बचाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में समय समय पर डॉक्टरों से परामर्श लें, उनके बताए नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि बच्चों को स्वस्थ रखने की दिशा में जगदम्बा बेबी केयर सेंटर दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। इस अवसर पर स्वामी प्रेम मूर्ति पार्षद वीर विक्रम कुमार, पार्षद मेगा भंडारी व केहर सिंह चोपड़ा सहित स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। जगदम्बा बेबी केयर सेंटर के 20 साल पूरे होने के अवसर पर डॉक्टर मनोज मित्तल जी ने एक निर्णय लिया, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की सेवा के लिए विशेष तौर पर एक निर्णय लिया कि मंगलवार को वो अपनी ओपीडी को फ्री रखेंगे और इसके साथ साथ बच्चों की रोज फ्री कंसल्टेंसी भी करेंगे, जिसमें बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड है, उनकी डायनेमिक, उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, हर चीज़ें उन्हें गाइड की जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया का जो नारा है, उसमें सभी हम चाहते हैं कि ये देश का भविष्य, हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें, सुरक्षित रहें, तो इसके लिए डॉक्टर्स इस तरह से यदि प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाते हैं तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे को भी सार्थक करते हैं। और जिस तरह की सेवाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में चिकित्सा को लेकर, बच्चों की हेल्थ को लेकर, बच्चों की एजुकेशन को लेकर की हुई है, ये सारी बातें डॉक्टर्स के जरिए पेरेंट्स तक, डॉक्टर बच्चों तक पहुँचे, इस बात के लिए डॉक्टर मनोज मित्तल ने एक जिस तरह से कार्य बहुत अच्छा किया है कि बच्चों की कंसल्टेंसी का, मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये हॉस्पिटल में बच्चे खेलते कूदते रहे, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े ही नेचुरोपैथी तरीके से डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। हमारी भारत की प्राचीन पद्धति है, चाहे योगा है, चाहे उन्हें मेडिटेशन है, हर तरह से उसे जोड़ कर बच्चों को एक ग्रोथ करते हैं, मैं इलाज के साथ कहूँगी एक ग्रोथ करते हैं, वो आगे बढ़ती रहे और बच्चों को इसी तरह से ये बहुत अच्छे ढंग से कंसल्टेंट करते रहे। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपके माध्यम से समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हॉस्पिटल को 20 वर्ष हो गए पूरे यहाँ पे हमें सेवा करते हुए बच्चों की, तो अब हमने नए भवन का निर्माण किया है, तो उसमें अब फैसिलिटीज हमने बढ़ाई है, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। तो जैसे काफ़ी सारे पैन कंपनीज के पैनल पे भी आ गए हम लोग, तो एम्पैनलमेंट की सुविधा भी मरीजों को मिलेगी। तो आम सुविधाओं से एक सोसाइटी का कोई भी तबका, कोई भी वर्ग वंचित ना रह जाए, इसके लिए मैंने दो इम्पोर्टेंट, हर तबका हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई इन नई सुविधाओं से वंचित ना रह जाए, इसके लिए मैंने दो इम्पोर्टेंट स्टेप लिए हैं। एक तो मंगलवार को हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं फ्री ओपीडी देखूँगा, और दूसरा जो मेरे जूनियर्स की टीम है तो वो प्रतिदिन सुबह शाम कंसल्टेशन देंगे, उसमें पेशेंट्स की काफ़ी सारी क्वेरीज सोल्व होंगी। कुछ बच्चे JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।